साथियों, महापुरुषों के विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। साथियों, ब्राह्मण धर्म उर्फ हिंदू धर्म के अनुसार चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चार वर्ण के बाहर के लोगों को अछूत कहा गया है। मैंने कुछ ओबीसी लोगों को पूछा तुम्हारा वर्ण कौन सा है, तो वे बताते हैं मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ। लेकिन परशुराम नामक ब्राह्मण ने 21 बार क्षत्रिय नष्ट किए हैं। आज ब्राह्मण छोड़कर सब शूद्र हैं, यानी कि अभी दो ही वर्ण हैं, ब्राह्मण और शूद्र। इसका मतलब सभी ओबीसी शूद्र हैं। उनको खुद को क्षत्रिय वैश्य कहना गलत है। अगर उनको वह शूद्र हैं इस बात पर यकीन नहीं है तो इसका प्रूफ उनके पास ही है, उनके अपने घर में ही है। वो क्या है? ओबीसी लोग ब्राह्मण से जो कुंडली निकलते हैं वो गौर से पढ़े, उसमें स्पष्ट लिखा होता है शूद्र वर्ण, राक्षस गण। उदाहरण के लिए एक कुछ ओबीसी की कुंडली देखिए, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। ओबीसी शूद्र को अपना खुद का इतिहास मालूम नहीं है। आज हम इसी विषय की चर्चा करेंगे। शूद्र पहले कौन थे? इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सभी बुद्धिमान और वैचारिक साथियों का ग्रेट इंडियन लीडर्स अनरीड बुक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, सबसे पहले मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथियों, आज के समय में हमारे लोग महापुरुषों की किताबें पढ़ते नहीं है, इसी वजह से उन्हें सही गलत, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। लेकिन हमारे लोगों को सही इतिहास मालूम होना चाहिए, यही सोचकर मैंने यह प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ। साथियों, अब आपको किताब पढ़ना नहीं है, महापुरुषों की किताब में क्या लिखा है सिर्फ सुनना है और देखना है। आप सब मेरे इस कार्य में सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। नंबर दो, अब हम अगला आधार लेते हैं। आर्य बाहर से आए, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया और यहाँ के मूल निवासियों पर विजय प्राप्त की। बेहतर होगा कि इन प्रश्नों को हम अलग अलग ही ले। आर्य जाति भारत में कहाँ से आई? आर्य जाति के मूल स्थान का पता लगाने के बारे में बहुत भ्रामक विचार है। बेनफे के अनुसार आर्यों के मूल स्थान का निर्धारण समान शब्दावली के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रोफेसर आइसक टेलर ने उनके इन विचारों का सार संक्षेप में इन शब्दों में किया है। समस्त आर्यों की भाषा में समान शब्दावली इस बात का संकेत दे सकती है कि उस मूल भाषा के शाखाओं में बढ़ जाने के पूर्व उनका आरंभिक प्रदेश कौन सा था। उन्होंने कहा है कि कुछ पशुओं और पक्षियों के नाम जैसे बीच और भुर्ज वृक्ष तथा पशु भालू और भेड़िया ऐसे शब्द है जिनसे आदिम आर्य भली भांति परिचित थे और ये सभी कटिबंधीय जलवायु में मिलते हैं और विशेषतः यूरोप में, जबकि दक्षिण एशिया के पशु और वृक्ष के भाग और तार जिनके केवल भारतीय और ईरानी परिचित थे। उनका कहना है कि आदिम आर्यों की भाषा में बाघ और सिंह जैसे इन एशियाई जंगली जानवर अथवा एशिया का प्रमुख भारवाही पशु ऊंट समान नामों के आर्य शब्दावली में न होने से इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि आर्य कैपियन सागर के पूर्वी क्षेत्र से आए, क्योंकि यूनानी सिंह को सामी नाम से जानते हैं और भारतीय नाम का मूल आर्य मूल में मेल नहीं खाता। इससे यह तर्क उभरता है कि सिंह यूनानियों और भारतीयों के लिए समान नहीं है। बेनफे का कथन सार्थक सिद्ध हुआ है। गिजर ने उनका समर्थन किया, परंतु उन्होंने आर्य का मूल स्थान बेनफे से भिन्न कृष्ण सागर के उत्तरीय पश्चिम मध्य पश्चिम जर्मनी में बताया। गिजर का तर्क महत्वहीन नहीं था। उनका निष्कर्ष मोटे तौर पर वृक्षों के नामों पर आधारित है जो आदिम आर्यों की भाषा में मौजूद है। रूई और बेत, अंगू और बिदुर, पहाड़ी बादाम के अतिरिक्त उनकी दृष्टि में भुर्ज, बीज और शाहबलूत शब्दों का उपयोग निर्णायक है, क्योंकि यूनान का फिगो बाहबलूत का समकक्ष है। वह जर्मन बीज से मिलता है और लेटिन का फेग यह संकेत देता है कि यूनानी बीज के देश में शाहबलूत के देश में आए और एक फलदार वृक्ष का नाम दूसरे वृक्ष को दे दिया गया। दूसरा मत यह है कि आर्यों का मूल स्थान काकेशिया था, क्योंकि आर्यों की तरह काकेशियाइयों का रंग साफ और भूरे बाल होते हैं। इनकी नाक ऊंची होती है और चेहरे खूबसूरत होता है।
इस संबंध में रिप्ले का कथन उल्लेखनीय है। इस विषय में प्रोफेसर रिप्ले कहते हैं, काकेशिया के मिथ्य नाम का अनर्गल प्रलाप जो पश्चिम यूरोप की नीली आंखों और भूरे बालों वाली आर्य प्रजाति के लिए किया गया है, इससे दो निर्विवाद तथ्यों का पता चलता है। पहला तो यह कि इस प्रकार की शारीरिक बनावट काकेशिया में सैकड़ों मील तक नहीं मिलती, और दूसरे यह कि कहीं भी काकेशियाई श्रृंखला किसी एक कबीले से संबंध नहीं है जो पूरी तरह आर्यों की भाषा की तरह विभक्त प्रदान हो। यहाँ तक कि ओसेटस भी, जिनकी भाषा ही एकमात्र विभक्ति प्रधान भाषा है, शायद यह दावा नहीं करते कि वे आर्य है, और यदि ओसेटियन आर्य है भी तो इसके कई कारण हो सकते हैं। ईरान से आया आवरजक है और मूल काकेशियाई बिल्कुल नहीं है। इनके सिर की आकृति उनके अधिकार में आए क्षेत्रों के लोगों के समान है। टेरिल दर्रा दक्षिण श्रृंखला के लोगों के समान होने की अटकल है। सभी बातों को देखते हुए कि ओसेटस आर्य हो या न हो, उनका अन्य लोगों से अधिक साम्य नहीं बैठता। इनमें इतना शरीर सौष्ठव नहीं है जितना इस क्षेत्र के लोगों का है। इनका व्यवसाय देखते हुए ना ही ये इतने साहसी है, और इनमें रूसियों के समान प्रतिरोध के चिन्ह भी नहीं है। यह सच नहीं है कि काकेशियन कुछ सीमा तक विशिष्ट है, दरअसल इनमें कोई विशिष्टता नहीं है। यूरेशियाई भाषा भाषी इस नाम से जाने जाते हैं, जैसा कि हमने कहा है। गोरांग सुनहरी बालों वाले लंबी कद काठी वाले लोगों को आर्य कहा जाता है। यह सब भ्रामक है, बल्कि अविश्वसनीय है। काकेशिया संस्कृति, भाषा या रीति रिवाजों और शारीरिक विशिष्टताओं का पालना नहीं कब्रिस्तान है। हमें यह जान लेना चाहिए कि संसार में आरंभ से ही अन्यत्र इतनी विविधताएं नहीं है जितनी यहाँ है, चाहे वह भाषा का प्रश्न हो या धर्म का। काकेशिया पर्वतमाला में यह मिश्रण मौजूद है। तिलक ने कहा है कि आर्य प्रजाति का मूल स्थान आर्कटिक क्षेत्र है। इनके सिद्धांत का उन्हीं के शब्दों में सार दिया जा रहा है। वे खगोल विज्ञान और जलवायु तथ्यों से आरंभ करते हैं। उनके अनुसार यह क्षेत्र उत्तरी ध्रुव है। उनका कहना है, दो लक्षण अथवा भिन्नताएं हैं। एक उसके लिए जब कोई अध्येता उत्तरी ध्रुव से अध्ययन करता है, और दूसरा इसके लिए जो परिध्रुवीय क्षेत्र से देखता है या उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक वृत्त से देखता है। तिलक की दृष्टि में दो भिन्नताएं आती है, ध्रुवीय और परिध्रुवीय। वे इसका सार इस प्रकार देते हैं। नंबर एक, ध्रुवीय लक्षण। एक, सूर्य दक्षिण से निकलता है। दो, तारों का उदय और अस्त नहीं होता, बल्कि वे गोलाकार चक्कर लगाते रहते हैं। वे दिगंत का चक्कर 24 घंटों में पूरा करते हैं। पूरे वर्ष उत्तरी गोलार्ध और आकाश ही दृष्टिगत होता है, और दक्षिणी गोलार्ध तथा आकाश लुप्त रहता है। नंबर तीन, एक वर्ष में एक दीर्घ दिवस और दीर्घ रात्रि ही होती है। दोनों रात और दिन 6-6 महीने के होते हैं। नंबर चार, वहाँ मात्र एक सुबह और एक ही शाम होती है, अर्थात सूर्य का वर्ष भर में एक ही उदय व अस्त होता है, किंतु प्रभात का प्रकाश अथवा संध्या का धुंधला प्रकाश लगातार 2 महीने रहता है। परंतु हमारे यहाँ की भांति प्रभात अथवा संध्या का झिटपुट अंतरिक्ष के एक ही भाग तक सीमित नहीं है, बल्कि वह अंतरिक्ष में वृत्तवत चलायमान रहता है, जैसे कि कुमार का चाक, और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। सवेरे प्रकाश के ये चक्कर जारी रहते हैं जब तक कि सौर गोला अंतरिक्ष के ऊपर न आ जाए, फिर सूर्य 6 महीने इसी दशा में रहता है। वह अस्त हुए बिना घूमता है और 24 घंटों में एक चक्कर पूरा करता है। नंबर दो, परिध्रुवीय लक्षण। एक, सूर्य सदा परम बिंदु के दक्षिण में रहेगा, परंतु देखने वाला शीतोष्ण कटिबंध से भी देखे तो इसके विशेष लक्षण नजर नहीं आएंगे। नंबर दो, अनेक तारागण परिध्रुवीय है। परिभ्रमण के अधिकांश समय वे क्षितिज के ऊपर रहते हैं, इसलिए सदा दिखाई पड़ते हैं। शेष तारागण का शीतोष्ण कटिबंध में उदय अस्त होता रहता है, परंतु वे वक्र गति से घूमते हैं। नंबर तीन, वर्ष के तीन भाग होते हैं। नंबर एक, अनवतर दीर्घ रात्रि जो मकर संक्रांति में आरंभ होती है और अक्षांश के अनुसार 24 घंटे से अधिक और 6 मास से कम समय तक रहती है। नंबर दो, इतना ही अनवरत
और दीर्घ दिन जो उष्ण कटिबंध में होता है। नंबर तीन, इसके बाद शेष वर्ष में सामान्य दिन और रात आरंभ होते हैं। एक रात्रि या एक दिवस 24 घंटे से अधिक नहीं होते। लंबी अनवरत रात के बाद निकलने वाला दिन पहले तो छोटा होता है और लंबी अवधि का होने तक लगातार बढ़ता रहता है। लंबा दिन समाप्त हो जाने पर रात भी छोटी होती है और वर्ष के अंत तक लंबी अनवरत रात्रि बन जाती है। नंबर चार, लंबी अनवरत रात्रि के पश्चात का प्रभात कई दिन का होता है, परंतु उत्तरी ध्रुव पर स्थान की अक्षांश रेखा के अनुसार अनुपातित रूप से छोटा होता है। उत्तरी ध्रुव के कुछ अंश इधर उधर परिक्रमिक प्रभात का अधिकांश अवधि में उषा कालीन प्रकाश दृष्टिगत होता है। सामान्य दिन और रात का प्रभात काल शीतोष्ण कटिबंध की तरह होता है, जो केवल कुछ ही घंटों का होता है। अनवरत घोष में सूर्य अंतरिक्ष के ऊपर होता है, वह परिक्रमा करता हुआ दिखाई देता है जिसका अवसान नहीं होता। यह वक्र परिक्रमा करता है क्षितिजीय नहीं और दीर्घ रात्रि में वह पूरी तरह क्षितिज के नीचे आ जाता है, जबकि शेष वर्ष उसका उदय और अस्त होता है। वह 24 घंटों के कुछ काल में सूर्य के आच्छादन के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। अपने विश्लेषण का उपसंहार तिलक इस प्रकार करते हैं। हमारे सामने ध्रुव और परिध्रुव के क्षेत्र के बारे में दो भिन्नताएं अथवा लक्षण हैं। ये अवस्थाएं विश्व के अन्य क्षेत्रों में नहीं पाई जाती। धरती के ध्रुव की आज भी वह स्थिति है जो करोड़ों वर्ष पूर्व थी, इसलिए उपरोक्त खगोलीय अवस्थाएं सदा समान रहती है और इससे आदि सृष्टि काल में तीव्र परिवर्तन हुए हैं। तिलक ने आर्कटिक क्षेत्र की दशाओं के संदर्भ में बताया है और यह तर्क दिया है। वैदिक व्याख्याओं अथवा परंपराओं से पता चलता है कि उपरोक्त प्रवृत्तियों से यह अनुमान होता है कि ध्रुव और परिध्रुवीय परंपराओं से वे ऋषि अवगत थे जो उन्हें वंशानुगत मिली थी। संयोग से वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनसे दीर्घ रातों और दीर्घ दिवसों का प्रत्यक्ष संबंध मिलता है। इसके साथ ही बहुत सी कथाएं भी है इस बात के साथ मेल खाती है। तिलक अपनी नैसर्गिक और वैदिक कथाओं से संतुष्ट है कि वे उत्तरी ध्रुव की अवस्था से मेल खाती है और निष्कर्ष निकालते हैं कि वैदिक आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक क्षेत्र रहा होगा। दरअसल यह एक मौलिक सिद्धांत है, इसमें मात्र एक बिंदु ऐसा है जिसकी अनदेखी कर दी गई है, वह है आर्यों का प्रिय प्राणी। वह उनके जीवन और धर्म से बड़ी गहनता से जुड़ा है। वह है अश्व, जिसका अश्वमेध यज्ञ से प्रमाण मिलता है। प्रश्न है कि क्या आर्कटिक क्षेत्र में घोड़ा विद्यमान था? यदि उत्तर नकारात्मक है तो आर्कटिक क्षेत्र का सिद्धांत संदिग्ध है। नंबर तीन, ऐसा कौन सा साक्ष्य है जिससे पता चले कि आर्यों ने भारत को आक्रांत किया और यहाँ के मूल निवासियों को अपने अधीन कर लिया? जहाँ तक ऋग्वेद का संबंध है, उसमें रंच मात्र भी भारत पर बाहर से आक्रमण का संकेत नहीं है। श्री पीटी श्रीनिवास अयंगर कहते हैं, मंत्रों की सावधानी पूर्वक की गई मीमांसा से जहाँ जहाँ आर्य दास और दस्युओं का संदर्भ मिलता है, पता चलता है कि वह पूजा पद्धति का संघर्ष है, प्रजाति का नहीं। ये शब्द अधिकांशतः ऋग्वेद संहिता में आते हैं 1:53-972 शब्दों में से इनकी आवृत्ति 33 बार हुई है। इतना अल्प प्रसंग इस बात का प्रमाण है कि आर्य कबीला आक्रांत नहीं था, जिसने विजय के पश्चात स्थानीय लोगों को भगा दिया हो, क्योंकि विजेता जाति अपनी जातियों का बार बार जिक्र करती है। जहाँ तक ऋग्वेद साहित्य का प्रश्न है, इससे पता नहीं चलता कि आर्य बाहर से आए। इस संदर्भ में ऋग्वेद के मंत्र 75 में 7 नदियों का प्रसंग महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर DM त्रिवेदी के अनुसार नदियों का संबोधन मेरी गंगा, मेरी जमुना और मेरी सरस्वती कहकर किया गया है। कोई भी विदेशी ऐसा संबोधन क्यों करेगा? ऐसा संबोधन वही कर सकता है जिन इनसे निकट का भावनात्मक संबंध हो। जय पराजय के प्रश्न का उत्तर वेदों में सुलभ है। दास और दस्यु आर्यों के शत्रु के रूप में वर्णित है। इसके वध और उन्मूलन के लिए अनेक बार वैदिक ऋषियों ने देवों का आवाहन किया है, किंतु आर्यों की विजय के विषय में कोई निर्णय करने से पहले निम्नलिखित बातों पर विचार करना आवश्यक है।
पहले ऋग्वेद में आर्यों और दास तथा दस्युओं में युद्ध के प्रसंगों की कोई विशेष कथा नहीं मिलती, केवल छोटी छोटी झड़पों का उल्लेख मिलता है। यह जय पराजय का प्रमाण नहीं हो सकता। ऋग्वेद में 33 स्थानों पर इस शब्द का उल्लेख है, केवल 8 में इन्हें दासों का विरोधी कहा गया है। 7 स्थानों पर दस्युओं के विरुद्ध है। कहीं कहीं दोनों के बीच संघर्ष का उल्लेख है। जय पराजय का प्रमाण नहीं मिलता। दूसरे दासों, दस्युओं और आर्यों में भले ही संघर्ष की स्थिति रही हो, दोनों में शांति बनाए रखने के लिए समानजनक समझौते हुए हैं। ऋग्वेद के मंत्र अध्याय 6:33-3, अध्याय 7:83-1, अध्याय 8:51-9, अध्याय 10:102-3 में स्पष्टतः कहा गया है कि आर्य और दास एवं दस्युओं ने संयुक्त रूप से शत्रु से युद्ध किया। तीसरे आर्य और एवं दस्युओं में जो भी विरोध रहा है, उनमें जातिगत विरोध नहीं रहा। ऋग्वेद के अनुसार संघर्ष जातीय नहीं, धार्मिक आधार पर था। ऋग्वेद में इसका प्रमाण है। ऋग्वेद में दस्युओं के बारे में बताया गया है, वे 1:51-8:9, अध्याय 1:132-4, अध्याय 4:41-2, अध्याय 6:14-3 के अपर्वत। ऋग्वेद अध्याय 5:42-2 अन्य व्रत के विभिन्न मंत्र ऋग्वेद अध्याय 8:59-11 और अध्याय 10:22-8 में अनग्नित्र ऋग्वेद अध्याय 5:189-3 अयजवान ऋग्वेद अध्याय 1:131-44 अध्याय 1:33-4 और अध्याय 8:59-11 में ब्राह्मण पुरोहित विहीन अध्याय 5:15-9 और अध्याय 10:105-8 अनरुचा ऋग्वेद अध्याय 10:105-8 ब्राह्मण द्वेषी ऋग्वेद अध्याय 5:42-9 तथा अनिद्र ऋग्वेद अध्याय 1:133 अध्याय 5:2-3 अध्याय 7:18-6 अध्याय 10:27-6 और अध्याय 10:48-7 बताया गया है। ऋग्वेद के मंत्र अध्याय 10:22-8 में कहा गया है, हम दस्यु जातियों के बीच रहते हैं, ये न तो यज्ञ करती है और न किसी की पूजा, इनके संस्कार अनुष्ठान भी भिन्न है, अंतः वे मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। हे शत्रु हंता, इन दासों का विनाश करो। इस विवेचन से ऋग्वेद के अनुसार इस मत का खंडन होता है कि आर्य बाहर से आए और उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों दास दस्युओं को जीता। नंबर 4, यह तो हुई आर्यों के बाहर से आने दास दस्युओं को जीतने की बात। अब तक इस पर आर्य दृष्टिकोण से विचार किया गया है, आइए अब इस पर विचार करें कि क्या दास और दस्युओं के नाम का प्रयोग जाति सूचक है। जो इसका समर्थन करते हैं वे इसका प्रमाण देते हैं। जो लोग दासों और दस्युओं से जातीय संघर्ष मानते हैं वे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। नंबर 1, ऋग्वेद में प्रयुक्त मृधावक और अनाक को दस्युओं के लक्षण गुण के समान बताया गया है। नंबर 2, ऋग्वेद में दास कृष्ण वर्ण कहे गए हैं। ऋग्वेद में मृधावक शब्द का 1:1:4:2 अध्याय 5:32-8 अध्याय 7:6:3 तथा अध्याय 7:18-3 में प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में मृधावक के आशय है वह व्यक्ति जो गवार है और अपरिकृत भाषा का प्रयोग करता है। क्या भाषा का गवारूपन या अपरिकृत होना जाति भिन्नता का साक्ष्य माना जा सकता है? इसे साक्ष्य के रूप में ग्रहण करना विवेकशीलता नहीं है। ऋग्वेद अध्याय 5:29-10 में अनास का अर्थ क्या है, इसकी दो व्याख्याएं मिलती है। प्रोफेसर मैक्स मुलर के अनुसार अनास का अर्थ बिना नाक वाला या चपटी नाक वाला है। साइनाचार्य इसका अर्थ बिना मुंह वाला अर्थात कटुभाषी बताता है, अर्थात देव वचनों से वंचित। साइनाचार्य ने इस शब्द को अन असा पढ़ा है। मैक्स मुलर के अन्नासा अर्थात बिना नासिका वाला, इनमें शुद्ध क्या है, इनका मत विसंगत प्रतीत होता है। इसके पक्ष में दो बातें प्रमुख है, एक तो यह कि शब्द के अर्थ का अनर्थ नहीं किया गया और दूसरा यह कि दस्युओं को कहीं भी
बिना मुंह अथवा बिना नाक वाला नहीं बताया गया, उन्हें मृद्रावक का पर्याय माना जाना चाहिए। अस्तु ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो इस मत की पुष्टि करे कि दसु एक भिन्न जाति है। अब दासों को ले, यह सच है कि ऋग्वेद अध्याय 6:47-21 में दासों को कृष्टांग बताया गया है। फिर भी इस मत को स्वीकार करने से पूर्व निम्नांकित बातों पर विचार करना आवश्यक है। नंबर एक, ऋग्वेद में दासों के लिए केवल एक बार कृष्ण योनि शूद्र का प्रयोग किया गया है। नंबर दो, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह शब्द लाक्षणिक रूप से प्रयोग किया गया है अथवा शाब्दिक अर्थ में। नंबर तीन, हमें यह पता नहीं है कि क्या यह यथार्थ है अथवा घृणा का प्रतीक। जब तक इस प्रश्न का समुचित उत्तर न मिले, यह मत स्वीकार करना संभव नहीं कि दासों को कृष्ण योनि का कहा जाने मात्र से उन्हें काले रंग की जाति का माना जाए। देखिए ऋग्वेद के निम्नलिखित मंत्र। नंबर एक, ऋग्वेद अध्याय 6:22-10। हे व्रजी, तुमने दासों को आर्य बनाया है, अपनी शक्ति से बुरे को अच्छा बनाया है, हमें भी यही शक्ति दो जिससे हम शत्रुओं पर विजय पा सके। नंबर तीन, ऋग्वेद अध्याय 10:49-3। इंद्र कहते हैं, मैंने दसुओं को आर्य संबोधन से वंचित कर दिया है। नंबर तीन, ऋग्वेद अध्याय 1:15-108। हे इंद्र, यह मालूम करो कि आर्य कौन है और दसु कौन, इसको पृथक करो। इन मंत्रों से क्या पता चलता है? इनसे यह स्थापित होता है कि आर्यों और दासों तथा दसुओं के बीच अंतर न तो प्रजातीय था और न ही शारीरिक बनावट का, इसीलिए दास और दसु आर्य कहे जा सकते हैं। अंतः इंद्र से कहा गया कि उन्हें आर्यों से अलग किया जाए।